मॉर्निंग, नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं महाबलेश्वर से रत्नागिरी तक जाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, आपको इस ट्रिप का पूरा आनंद आने वाला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ, आप भी इस ट्रिप को एंजॉय करें। वैसे मैं बता दूँ, बाहर अभी मैं ये महाबलेश्वर का बस स्टैंड है, सामने के कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बस स्टैंड के नज़ारे हैं, और देखिए आप, यहाँ पर बारिश आ रही है। ये दो दिन से बारिश चल रही है यहाँ पर। मुझे बताया गया था कि 8:30 बजे और 9 बजे बसें जाती हैं, लेकिन अभी 9:30 हो गया है। मैं 8:30 से पहले ही यहाँ पर आ गया था उसमें चेकआउट, लेकिन अभी तक बस नहीं मिली है। बारिश की वजह से लेट है या क्या वजह है, देखते हैं कब तक बस मिलती है और कैसे हम रत्नागिरी तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और भी दिक्कत है, रत्नागिरी तक डायरेक्ट बस नहीं है, तो हमें यहाँ से एक दूसरा शहर, छोटा टाउन है उदालपुर, उदालपुर तक जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर हमें आगे चेंज करनी पड़ेगी। तो जो भी होगा, आप पूरा वीडियो देखें और इस ट्रिप को एंजॉय करें। इस पूरे महाबलेश्वर से रत्नागिरी के उस वीडियो को एंजॉय करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमें गाड़ी मिल गया है और अभी हम महाबलेश्वर से शुरू कर दिया हमने सफ़र को। काफ़ी वेट करना पड़ा हमें, तकरीबन 11:15 हो गए हैं, तो 2.5 घंटे की वेट के बाद हमें गाड़ी मिली है। और देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, ये भी हमें आधे रास्ते तक लेके जाएगी। वहाँ पर हमें दूसरी गाड़ी चेंज करनी है, तो बड़े रहे पूरे सफ़र में, देखते हैं आगे क्या होता है। ये अभी बस स्टैंड से हम लोग निकल गए हैं। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे कंडक्टर हैं और ये ड्राइवर भाई हैं, जो हमें पोलादपुर तक लेके जाएगी। आगे गाड़ी मुंबई जाएगी, तो हमें वहाँ से चेंज करना है पोलादपुर से। रत्नागिरी के लिए दूसरी गाड़ी हमें लेनी है, तो देखते हैं कैसा सफर रहता है। ये महाबलेश्वर के अंदर से हम निकल रहे हैं अभी, और ये सिंगल ही रोड है यहाँ, तो देखते हैं आगे कैसा आता है। सिंगल रोड पे गाड़ी थोड़ी स्लो चलानी पड़ती है, क्योंकि ओवरटेक का, और ये क्योंकि हिल स्टेशन है तो सामने से भी गाड़ियाँ आने का रहता है, इसलिए ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते। यहाँ तो रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए सामने से गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो थोड़ा सा संभाल के चलाना होता है। और अभी हम पोलादपुर पहुंच गए हैं। महाबलेश्वर से ये 40-45 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ का बस स्टैंड है और ये जूस की दुकान है भाई की, और ये हमारे लिए जूस तैयार हो गया। तो अभी आगे हम देखते हैं रत्नागिरी के लिए हमें यहाँ से कब तक मिलती है। अभी हमने यहाँ से शुरू कर दिया है, अब ये भी हमें डायरेक्ट रत्नागिरी तक नहीं लेके जाएगी, बीच में स्टॉप होगा, वहाँ पे उतरेंगे, फिर वहाँ से हमें दूसरी गाड़ी लेनी होगी। तो बने रहें पूरे वीडियो में। ये अभी
मैं यहाँ पहुँच गया हूँ चिपलून। ये चिपलून का बस स्टैंड है और यहाँ से रत्नागिरी अभी हमारा तकरीबन 80-90 किलोमीटर और रह गया, 100 से कम ही है। तो अभी देखते हैं क्या हमें साधन यहाँ से मिल सकता है, तो आगे जाते हैं फिर। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी कोई साधन है नहीं रत्नागिरी का, लेकिन बोलते हैं कि अभी आएगी बस। तो जैसे ही आती है तो आगे अपडेट में आपको करता हूँ। बने रहे पूरे वीडियो में और इन्जॉय करते रहे मेरे साथ में ये सफ़र। और अभी हमें चिपलून से ये गाड़ी मिल गई है रत्नागिरी की, जो स्टार्ट हो गई, निकल गई है बस स्टैंड से। तो अगले 2.5 घंटे में, 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा रत्नागिरी तक ये केबिन में से। तो आगे का व्यू बने रहे पूरे वीडियो में। अभी हमने चिपलून से यात्रा शुरू कर दी है और अभी मौसम ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, गड्ढा छाई हुई है और मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है। बस में बहुत ही अच्छी हवा लग रही है और ट्रिप इंजॉय कर रहा हूँ। आप ही होपफुली इस ट्रिप को मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही शानदार इस रास्ते पे आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं, बहुत ही शानदार ये यात्रा बने रहे और इंजॉय करते रहे इस ट्रिप को मेरे साथ। आपको पता ही होगा ये यात्रा मैं 2 महीने तक जारी रखने वाला हूँ और उसमें तकरीबन 50 सिटी देखने वाले हैं 2 महीने में, 14 स्टेट हम क्रॉस करने वाले हैं। कोस्टल भारत की यात्रा ये मैं कर रहा हूँ। तो यदि आपने ये वीडियो पहला ही देखा है तो इससे पहले के वीडियो और इससे आगे की वीडियो आप देख लें, पूरी ट्रिप को एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ आपको लाइव अपडेट मिलती रहती है। पिंक सिटी ट्रैवलर के नाम से ही इंस्टा पे है और पिंक सिटी ट्रैवलर के नाम से ही फेसबुक पे है। यदि आप फेसबुक पेज पे हैं तो वहाँ हमें लाइक कर लें, जिससे आपको आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे और स्टोरी के माध्यम से आपको मैं लाइव अपडेट आपको देता रहता हूँ। बने रहे और इन्जॉय करें इस पूरे यात्रा को जो 2 महीने चलने वाली है। अभी बारिश आके रुकी है, तेज बारिश आई थी रस्ते में और बारिश का ही लग रहा है आई बारिश। आधे रस्ते तक हम आ गए हैं, यहाँ से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर रत्नागिरी रह गया। तो अगले 1 घंटे में रत्नागिरी पहुँच जाएंगे। अभी हम रत्नागिरी पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा ही रह गया, शाम भी होने वाली है तो आधा घंटा शायद लग जाएगा यहाँ से। बाकी यहाँ पर नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और अभी अभी बारिश होके रुकी है, काफ़ी देर तक बारिश चल रही थी थोड़ी करके अभी अभी रुक गई है। बाकी आप देखिए यहाँ के नज़ारे, ये खूबसूरत है यहाँ की, बहुत ही शानदार। और ये अभी हमने नेवली गांव क्रॉस कर लिया है और अभी नज़दीक ही है रत्नागिरी, अगले 10-15 मिनट में रत्नागिरी पहुंच जाएंगे। और ये नेवली गांव का व्यू है यहाँ पर। तो दोस्तों ये सफ़र हमारा यहाँ पूरा हो गया, अभी मैं होटल में बैठा हूँ, बस मेरे को छोड़ ली गई है। और अभी लंबा सफ़र हो गया, वैसे भी 250 किलोमीटर का सफ़र था लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लग गया। 9-10 बजे वहाँ से शुरू किया था 10:30 बजे और यहाँ पहुँचते 6 बज गए, तो काफ़ी वक्त इसमें लगा क्योंकि 3 जगह बदली करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ।
बाकी बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है। और ये अभी रत्नागिरी का मार्केट है, अभी होटल में बैठा हूँ, यहाँ पे खाना खाता हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।